खोल उन पे बाबे अदार जो देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। अब मैं बदू करती हूँ ऐशा मकसूद को नाद के लिए।
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Superior College, Superior University और आज के खसूसी जिन मेरे चरण मेरे मक्खन मेरी मलाई मेरा चरण जैन अली अली भाई मरियम किंजा आसिफ आशा राशिद और मैडम बुशरा और जितने मेरे चरण मेरे सामने बैठे हैं ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक अलग जहान देखा है मैंने तो मैं बेहद मशहूर हूं कि आज की ये गजल दुनिया को पैगाम जाएगा कि हम यूनिवर्सिटी में इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं और इस्लामी प्रचार को अपने दोस्तों में क्लास फेलो में एथिक्स के लिहाज से अखलाकियात के लिहाज से हम इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं दुनिया में कोई भी इंसान उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक मुआशरे में अमली उसके इस्लाम का इजहार ना हो उसके मजहब का प्रचार ना आज कितने मुसलमान बच्चे हैं जो मौलवियों से दूर है इसलिए कि या ये मौलवी हमें पैंट नहीं डालने देते ना मेरे चांद ना ये डाल सकते हैं इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है सिर्फ इस्लाम ने एक लिबास पर पाबंदी लगाई है जिसमें जिस्म के आज़ार नजर ना आए और एक रेशम का लिबास मर्द के लिए मना किया तो वैसे भी तुसी मुंडे एक सूट ना दो सूट ना महीना साल कर लेते हो तो बीबिया भी मसला है मर्द तो हो रहे शादी के हो रहे मंगनी के हो रहे करनी क्लैपिंग आप अपने लिए करनी ये तो ज्यादा मसला लड़कियों को ना कि अपने माँ बाप को परेशानी में डालती है मामा मैंने ये फौत की भी सूट डाला था और मैं नहीं धोनी था इसलिए लड़के तो बेचारे एक ट्रोजर ले लेना तो ट्रोजर लेना तो पनाह मांगते रहिए आला भी आने चलो एक ट्रोजर में सारी उम्र गुजार दे कोई तो जितने ये मेरे चंद बैठे हैं ना मैंने आपको ये बातें समझाई पंजाबी आती है ना मेरे चंद असल जना ये सारे जड़े मुंडे पढ़े लिखे ने कुड़ियां अगले दिन पंजाबी च गल कर लन तो आप को तमीज नहीं है तो तुझे किसे अंग्रेजा का जमना ही तुझे पंजाब से जमने क्यों है ये पंजाबी हमारी मादरी जबान कौमी हमारी उर्दू जबान तो इतने जब किसी ना गल कर लो ना पंजाबी तो वो मानता कि ये चिंता अनपढ़ है ना अच्छा फिर बड़ा स्टैंड मार दिया कहिए ना यार अगर पंजाबी से गल करें नो पंजाबी No, to only speaking English. हर कौम ने अपनी ज़बान में तरक्की की है, हर कौम ने अपनी ज़बान में तरक्की की, मगर हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसमें चीफ जस्टिस ने फैसला भी दिया है कि उर्दू नाफ़िज़ करो, तो हमारे बच्चे अफ़सर जितने हैं वो कहते हैं जी नहीं हमें आप इंग्लिश में पढ़ाया तो हम इंग्लिश में बात करेंगे आधा खर्चा कम हो सकता है अगर आप उर्दू नाफिस हो जाए वकील पढ़ना होता है इंग्लिश ना कि मुलजम नहीं होता कि मेरी खातर पढ़े आला लफ्ज पढ़ दिया पता नहीं की पढ़ दिया तो बाहर आके कहता मैं तेरी खातर कितनी मेहनत की थी
तो अगर उर्दू में हो तो बंदे को पता लग जाए की कह रहे। तो ये आप मेरे बच्चे हैं कि आप आने वाले मुल्क के मामार किनमें कोई जज बैठा है, कोई वकील बैठा है, कोई जनाब एयरफोर्स का बच्चा बैठा है, कोई आर्मी का, कोई पुलिस का, कोई डॉक्टर, कोई नमे नमे सामाला। डॉक्टर्स रात भी तो होते हैं, तो अल्लाह जानता है आजकल कोई बीमार ना हो, पता डॉक्टर को फास्ट जाए तो अंदर नब्बे नब्बे साल है, फिर अंदर रोग, फिर अंदर 2000 का। तो मैं आपको ये बोलने लगा, जिस डॉक्टर के फीस एक मजदूर की सैलरी से ज्यादा है वो मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि मजदूर भी बीमार हो सकता है। तो आप कितने मेरे बच्चे हैं इस बात को प्रमोट करें कि आप डॉक्टरों पर मेहनत करें, मान के डॉक्टर को ना 5-10 मिनट दिया करो। आप यूनिवर्सिटी के बच्चे ये समझते हैं मौलवी नहीं, भाई क्यों मौलवी के लिए जरूरी है कि किसी को मोटिवेट करना? क्या आप इस्लाम के सफीर नहीं है? आप मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा? आप हर डॉक्टर MBBS के पास भी 10 मिनट लगाएं और उसको बोले कि एक दिन हमने दुनिया से जाना, तो लिख के लगाए डॉक्टर के जो छापरी वाला है वो मेरे से मेडिसिन ले, उसको सिर्फ मेडिसिन के पैसे लूंगा, फीस नहीं लूंगा। अल्लाह की कसम उठाता हूँ डॉक्टर के बच्चे उसको सुरूर मारना शुरू कर देंगे, क्योंकि गरीब की माँ अल्लाह के अर्श पे करीब ले जाती है। ये इसलिए नहीं क्लैपिंग हुई क्योंकि आप गरीब को पसंद नहीं करते, आपका स्टेटस नहीं। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। मगर हम मेहनत किस चीज में करते हैं? अब सर्दी आ गई है, मुंडिया ने बड़ी मेहनत करनी है, शामों पीछे ना करो बाहर नहीं निकलना, क्योंकि सारे चली होंगे भी बाहर आम क्रीम क्रूम लाई होंगी, मुंडिया ने चली क्रीम लाई होंगी है, मैंने अपनी फूफो की गल रिश्ता नहीं करना, क्यों? जितने ये मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मैं तो आपको प्यार से मोहब्बत से हल्के फुल्के अंदाज में सिर्फ समझाने आया हूँ, ये कलर कुलर की कोई इज्जत नहीं। अगर ये कलर भी इज्जत मेरा जान, मोबाइल में काम देख मेरी तरफ देख, जिन्हें पर वेखो थ्रू द टच, पत्थर द टच, मौलवी द टच, नमाजी द टच, ठेले वाला टच, रेड़ी वाला टच, गटर वाला टच, प्रोफेसर टच, शेर द टच, कॉलेज द टच, स्कूल द टच, रक्षा का टच, रेडी वाला टच, चेंजी वाला टच, मेट्रो का टच, पाकिस्तान उसकी वजह क्या है? आप 3-3 घंटे वेटिंग पे रहते हैं, वो पढ़ती रहती है। जो वेटिंग में रहे ना वो या रक्षा चलाता है या जुबानी फल गई है, तो जो पढ़ता है वो फिर पाकिस्तान में ऑफिसर बनता है, जो पढ़ता है जो नहीं वो पाकिस्तान में लीड करता है। अल्लाह की कसम उठाता है ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं ना, अगर ये मेरी आप बात अपने दिलों में ले जाए कि आप वेटिंग पे रहना छोड़ दें, आप इस काबिल बन जाए कि लोग आपका वेट करें।
कितने बच्चे वाला करते हैं, हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम स्टार बनेंगे कि लोग हमारा वेट करें इंशाल्लाह। फिर आज रात में कोई पैक ना रखे जितने आप पढ़ने की उम्र है आपकी, आप पढ़े जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे आप लीड करेंगे। मेरी बेटियां मेरे बेटे मेरे बच्चों, ये मोबाइल आप यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आप अब उस लेवल से नहीं पढ़ रहे। मैंने देख रहा हूँ कि मेरी बेटियां जो है लीड कर रही, तो आप भी तो इस्लाम को प्रमोट करें ना, तो आप अपने माँ बाप की विधों में पूरा उतरे। राम कहता लगद बन लगूं भी रसूल लाने उस वक्त नो आसरा मेरे नबी को अल्लाह ने मॉडल नमूना बना कर भेजा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अवल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अर्ज करना चाह रहे मुसलमान भाइयों, मेरे अजीज दरबार कराम स्पेयर यूनिवर्सिटी के मेरे चन्नो, जितने मेरे चन्न मेरे मक्खन और मेरे दोस्त है वहां बैठे हैं, मैं सभी को जनाब जी ये ना जी बात करने के लिए आया हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बात समझा दूँ कि मैं हल्के फुल्के अंदाज में आपको पैगाम भी देता हूँ और लोगों की अखलाकियात भी बताता हूँ, आपकी हकीकी तस्वीर भी दिखाता हूँ, आपकी नेचर के करीब जाकर। मैं क्यों आपकी नेचर के करीब जाकर बात करता हूँ कि आपको पता चले मौलवी साहब और मखलूक से नहीं, साढ़े पेती में अक्सर बच्चे जड़े ना तीन वास्ते टाइम करना बड़ा औखा होता है। अच्छा तुम बैठे हो ना, मैंने बड़ी खुशी हुई है कि तुम मजहबी स्कॉलर सुन रहे और मैं ताकि अखलाक याद जड़िया इस टाइम बुरियां आदतें हो चुकी हैं, मैं उन्होंने प्यारे अंदाज च कहना कि ऐ छोड़ दो, इंजना करो इंजना करो, तुम गुस्सा भी नहीं करते, तो जो तुम गुस्सा कर भी लवो तो मैनू कड़ा खतरा मेरे को इतने रक्षे नहीं चलते, तो मैं जो कहना भी मैं घाटा पै गया, ब्रांड बंद हो गया है, यह जो चंद शिमला बैकरी वाला WOTC वाले ने इन्होंने जनाब इन्होंने बड़ा स्पॉन्सर किया, तो मैं तो तुम सारों इस वास्ते प्यार गल समझा रहा कि ताकि हदीस रसूल फी जमाना, मैं तुम दसना कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कयामत तक अखलाकियात से बनता है, एथिक्स की बात करता है, हम अखलाकियात लिहाज से भी करना चाह रहा हूँ। मैं समझा रहा था मेरे नबी की सीरत क्या कहती है कि जब कोई पूछे हम कहते रहते थे मैं गरीबों के काम हूँ, मैं मजदूरों के काम हूँ, प्राइमरी में मिडिल में हम पढ़ते होते थे लपया आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ये दुआ पढ़ते होते असम्बली में, मगर हम भूल जाते हैं वो हमारा सिर्फ प्रोफेशनल काम हो जाता है कि ये रोज पढ़नी होती है। हाँ मश्क रोज जो सिखाती है, मश्क होती सीखने के लिए, मश्क होती याद कराने के लिए। यूनिवर्सिटी के तलबा स्पेयर यूनिवर्सिटी में मैं आपको ये आपकी माँ बोली में और कौमी बोली में ये बातें समझा रहा हूँ ताकि आप समझे कि इस्लाम क्या चाहता है आपसे। लकद बान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरा नबी मॉडल नमूना बन के आया है। कुरान कहता है सूरत माईदा तआमनु अलल बिर्रि वत्तक्वा, नेकी के काम में तामन करना है, बुरे कामों से किसी का साथ नहीं देना, नेकी के कामों से साथ देना है, बुरे कामों से किसी का साथ नहीं देना। कितने बैठे हैं ना जी स्टूडेंट, मैं आपको यह समझाने के लिए आज पढ़िए कुरान मजीद सूरत माईदा, अल्लाह करीम ने फरमाया है तआमनु अलल बिर्रि वत्तक्वा, नेकी के कामों से तामन करना है, बुरे कामों से साथ नहीं किसी का देना। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं खैरुकुम खैरुकुम ले अहली, मेरे नबी ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल में अच्छा सलूक करता है, अपनी सिस्टर से अच्छा सलूक करता है, अपने भाई से अच्छा सलूक करता है, अपनी माँ से अच्छा सलूक करता है, अपनी फूफो से अच्छा सलूक करता है, अपनी आंटी से अच्छा सलूक करता है, अपने अंकल से अच्छा सलूक करता है, अपने अजीज रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, अपने मोहल्ले में अच्छा सलूक करता है। अब मैं देखने लगा हूँ हदीस रसूल की रोशनी में कई हुक्म ले अहले, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो याल में अच्छा सलूक करता है। मैं पूछने लगा ये फेसबुक पे आपके 5000 फ्रेंड हैं, 5000 फ्रेंड हैं और उस पे
आपको मैं बताने लगा हूँ, ये 5,000 नहीं, आपकी जो मुश्किल पे पहुंचता है वो आपका फ्रेंड है, बाकी ये ड्रामा बाजी है सारी, ये मेरे 5 साल फ्रेंड पूरा हो गया। बल्कि पोस्टर लगा देते हैं, फिर इधर आने की मुजामत ना करे, हाउसफुल है, नई आईडी बना लेते हैं। अच्छा मैं अब अच्छा फिर उस आईडी में पिक्चर लगाते हैं, पिक्चर कैसे लगती है, अपनी पिक्चर लेकर लगाते हैं, फिर कहते हैं देखे 1K 2K 3K 4K यार 400 लाइक है। मैं कहा जिन्हें लाइक देता उन्हें पता नहीं है कौन है, जिन्होंने मिले हैं नहीं पता वो कौन है, स्क्रॉल करके लगे लिया देने, जिन्हें तुम बैठे जे मजा तो ता देना, जिन 4,000 ने बारों लाइक किया सारा टब्बर पर तांगे हुए थे तब आएगा मजा, 4,000K का 5K का तब मजा आएगा, जब आपको घर में भाई कहे आई लाइक यू भाई, जब आपको सिस्टर कहे आई लाइक यू भाई, जब आपको मामा कहे आई लाइक यू बेटा, तो इतनी बार बोलते नहीं, बॉडी लैंग्वेज चेक करना, सीरत रसूल कहती है तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयार से अच्छा शुरू करता है, तो इतनी बार बोलेंगे एक्चुअली एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट वरी, बार बोलेंगे प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे नुकसान हो गए कोई बात नहीं। अच्छा ये सारी मीठी बातें बहन के लिए, चकार बहन को सारे बेटे धोनी हुई है, इनका बॉडी स्टाइल देखे घर के लिए और बॉडी लैंग्वेज और बहन के लिए। अच्छा भी आप सही बताएं, जो मैं बातें कर रही है हमारे पास में पाई जा रही है, तो क्या इसका मतलब है हम जो फेसबुक पे दिखाते हैं वो है नहीं और जो है वो दिखाते नहीं, सड़के ब्लॉक कर देनी, शीशे तोड़ देने, जिसे को गड्डी नहीं हैगी तोड़ देनी। मैं पूछना चाहता हूँ ये इतने बैठे हैं तलबा कराम, आप मुझे बताएं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी आपके सामने, खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहले याद से अच्छा शुरू करता है, मुझे बताएं आप जरा सोच से कि जिस सिस्टर को आपने घर में जनाब जी बुरी लैंग्वेज से बुलाया है ये वो है आपके घर में मालिक है, अगर आप 2 मर्दे के मालिक हो एक मर्दे के मालिक है, वो आपके जूते भी पॉलिश कर देती है, तस्मे भी बंद कर देती है, आपको टाई भी लगा देती है, आप फिर भी उसको गाली देती है, और शाम को आपके आगे खाना रख देती है, सुबह आपके आगे नाश्ता रख देती है, ये सिस्टर का रिश्ता इतना अजीम है, बीवी को आदमी बुरा कहे तो आरती भी बोलती है, मगर ये सिस्टर का रिश्ता इतना प्यारा है कि इसको सुबह चिल्को शाम को फिर आगे आपके खाना रख देती, और आपने भय की लड़कियों से जी जी एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट करी ते कार का ढी जबान चढ़ी है जनाब जी बैठने वाली थी, कितने ये तलबा वाला करते हैं कि हम जो लैंग्वेज भय रखते हैं वो कार सिस्टरों के लिए भी रखे, हाथ उठा ये लड़के हाथ उठा दो उठा उठा बरकत फरमाया, जितने ये मेरे चांद बैठे बेटा थोचो मेरे वर ऐतर मेरे चांद आज तू मेरे गल ना कर मेरे को, ये मेरा चांद ने नारे चांद तू थोड़ा जा और खाया क्रिया कर, आज मेरा चांद मेरा मकन मेरी मलाई अल्लाह उम्र में बरकत पाए, मैं तो ढी पुत्र दुआई कर सकता है, जितने ये बैठे। अच्छा कैसे ये जितने मुंडे ने ना इन्हें होश पता क्यों नहीं होती, वजह की आप मोबाइल नहीं होश आती थी, सही बात, मैंने एक बीबिया ने बोल दिया मेरे को निकाल कर दो, मैं कह इस पर पता जाता है, मैं कह मोबाइल लेता कहती लेता मैं ये जमजम भी पसंद है, जिन्हें सारी रात मोबाइल चलाना नहीं मेदा खराब हो जाना, नींद पूरी नहीं होनी, जब मेदा खराब होगा तो पूरा जिस्म ही खराब हो जाए,
डिस्टर्बिंग आ रही। तो नबी करीम ने क्यों कहा था कि आप ज्यादा रात को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठे, वर्जिश करे। साढ़े मुंडे और जनाब बाहर वर्जिश करन जल्दी फिर दिन किमें वर्जिश कर, सारी तीन चार घंटे राती थोड़ी वर्जिश होगी थी, कान थक जाते, हाथ थक जाते, पावर बैंक चुका दे जाते, चार्जेस सक जाते, अपने लिए काफी।